साइंस विचाले खरड़ तो खबर आई है जिथे मीह करके एक इमारत टह टेरी हुई है। खरड़ दे विच पानी सड़कां दे उत्ते खड़ा हो गया तो घरां दे विच भी पानी बढ़ गया। खरड़ दे रिहायशी इलाके दे विच एक इमारत डिगी है। खरड़ दे रिहायशी इलाके दे विच एक इमारत डिगी है। शिवजोत इनकलेव की पूरी बिल्डिंग टह टेरी हो गई है। शिवजोत दे विच ये बिल्डिंग जिहड़ी है पूरी टह टेरी हुई है। तस्वीर भी इस दियां सामने आईयां ने। दस्सा जा रहा है कि मीह करके ये इमारत डिगी है तो शिवजोत दे विच ये घटना वापरी है। तस्वीर तुम देख रहे हो आले दुआले पानी जिहड़ा वह काफ़ी भरिया होया सी। तां खरड़ दे रिहायशी इलाके दे विच ये इमारत डिगी है। खरड़ दे विच ये इमारत डिगी है। तस्वीर भी इस दियां सामने आईयां ने। मीह दा इमारत डिगी है तो खरड़ के रिहायशी इलाके दे विच ये इमारत डिगी है। तस्वीर तुम देख रहे हो रिहायशी इलाके दियां ये तस्वीर ने जिथे इमारत बुरी तरह नुकसानी गई है। खरड़ के विच ये इमारत डिगी है। तस्वीर भी इस दियां सामने आई ने। तो इमारत बुरी तरह नुकसानी गई है। तो होर वधेरे जानकारी लई पत्रकार आशु अनेजा साडे नाल जुड़ चुके हैं। आशु की कुछ जानकारी सामने आई है? इमारतां खरड़ दे विच डिग रही ने, शिवजोत दे विच घटना वापरी है, आखिर की पूरा मामला है? किन्ने कु जी इस घर दे विच रहिंदे सन? संपर्क जिहड़ा उह नहीं हो पाया। तुहानूं दस दईए कि शिवजोत दे विच इह घटना वापरी दसी जा रही है। तुहानूं इह वी दस दईए कि शिवजोत जो कॉलोनी है मन्ना जाता है कि यह गैर कानूनी कलोनी कट्टी गई थी, क्योंकि ये इलाका नहरी खेत नहर के नेड़े लगता है। तो इस करके इतों की जमीन जी है काफ़ी इतने नहरी जमीन होने करके जमीन काफ़ी पोली है। इस करके भी कई बार इतने हादसे वापरते रहे। आशु अनेजा सर जुड़ चुके हैं। आशु की कुछ जानकारी आ रही है? शिवजोत इनकलेव के घटना वापरी है, इतने एक पूरी इमारत टह टेरी हुई है। बिल्कुल अमन, जेकर गल करिए शिवजोत के नेड़े पंचवटी इनकलेव पैंदा, उत्थों दी ये जिहड़ी घटना हैगी। हालांकि इसके पिछे एक बरसाती नाला वहिंदा हैगा इस कलोनी के पिछे। अक्सर इतने अजिहियां छोटिया मोटिया घटना देखने को मिलदियां। दो तीन साल पहला भी इतने बिल्डिंगा दे विच तेड़ा आईया सीगियां, पर अजिही बिल्डिंग कोलैप्स होने की घटना वड्डे पद्धर उपर जिहड़ी हुण देखण नूं सामने आई, क्योंकि बरसात जिहड़ी बहुत जिहड़ी पै रही हैगी, इसे करके शिवजोत के नेड़े बिल्डिंग कोलैप्स होई है। हालांकि कोई जानी नुकसान की हजे तक सूचना नहीं हैगी, पर जिहड़ा घर के अंदर सारा नुकसान समान सीगा वह नुकसानिया गया है। जिहड़े आस पास बिल्डिंग्स है उन्होंने भी त्रेड़ा देखने को मिली है, तो खतरा जिहड़ी आस पास की बिल्डिंग हैगी है उन्होंने भी बन गया इस वक्त, क्योंकि पहला भी इतने अजिहिया घटनावां हुई सीगियां, तो इस बार बरसात ज्यादा होने के चलते बिल्डिंग जिहड़ी कोलैप्स हो गई है। बिल्कुल, बहुत वड्डा नुकसान कह सकता हो सकता सी, पर जानी नुकसान तो जिहड़ा बचा इतने जरूर रहा। जिहड़ा एरिया तुसी दस रहे हो इस लागे तागे जिहड़ा पानी है वह नज़र आ रहा। आम तौर पर मनिया जाता कि जिहड़ी शिवजोत कलोनी कट्टी गई है गैर कानूनी सी, क्योंकि इत्थे नहरी पानी जिहड़ा किसे समय काफ़ी वगदा सीगा, ते इह जिहड़ी घटना वापरी है किस सोसायटी की तुसी दस रहे हो? अमन, मैं जी पंचवटी सोसायटी की घटना हैगी है। शिवजोत के बिल्कुल बैकसाइड से जी सोसायटी पैंती हैगी है, तो सुभाविक तौर पर जेकर शिवजोत जो गल आती है तो सुभाविक तौर पर कई तरह के सवाल खड़े होंगे आते हैं कि यह जी नजायज़ तौर पर कट्टी गई हैगी, इसके पिछे जोड़ा एक बरसाती नाला वहिंदा सी, कई
ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਹੈ ਉਸ ਉੱਪਰ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਸ਼ੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। आप बिल्कुल स्क्रीन के उत्ते आशू दो स्क्रीन तस्वीर भी असं अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक तस्वीर के एक इमारत ढही है जिस विच नज़र आ रहा है कि यह नहरी नाला इत्थे नाला किस टाइम वगदा सीगा ते हुण उस दे नेड़े तेड़े जिहड़े घर कोठियां बन गईयां ने गैर कानूनी ढंग नाल बनाईयां गईयां ने। दूजे खरड़ दे घर की भी तस्वीर तुसीं देख रहे हो दूजे पासे जिथे एक घर के अंदर पानी जिहड़ा उह दाखल हो चुका है। यह घर दीआं तस्वीरां जिहड़ियां ने तुसीं देख रहे हो खरड़ दीआं इह तस्वीरां ने खरड़ दे विच कित इमारत डिग रही तो कितने घर पानी जोड़ा वो दाखिल हो चुका है। छोटे छोटे बच्चे जोड़े ने बैडा के उत्ते बैठे हुए हैं और घर का समान जोड़ा पानी के रुड़ता होया नज़र आ रहा है। इतों पता लगता है कि ये जो गैर कानूनी कलोनिया इतने कटिया गई इस करके अज इत समस्या आन खड़ी हुई है। कितने पानी सड़कों के उत्ते खड़ा है कितने घर पानी वड़िया होया आशू कितने घर पानी वड़िया तो कितने इमारत खरड़ के डिग रही ने। यही हाल जीरकपुर का यही हाल डेरा बसी का आखिर इतने योजना तस्वीर क्यों देखने को मिल रही हैं। जीरकपुर के भी खरड़ के भी पांच पांच फुट सत सत फुट पानी खड़ा हो गया। देखो जो आप कहने कि खरड़ के जीरकपुर के क्यों अजिहियां घटनावां हो रही हैं तो उसका सब तो एको वड्डा कारण है कि इतने जिहड़ा पानी का निकासी का प्रबंध नहीं है। पानी की निकासी का प्रबंध क्यों नहीं है क्योंकि बहुत सारिया जिहड़ियां गैर कानूनी तौर पर कलोनिया दी उसारियां हुई कट्टिया गई है तो एम सी कई एस पी भी जोड़े सीवरेज होंगे है वो अस्टैबलिश नहीं करता। एम सी अपने अंडर उन्होंने लेंदा नहीं तो कलोनीनाइजर जोड़े है वो अपने पत्र उपर इन्हों आप बिल्ड करते अपने पत्र ही इन्हों की देखरेख करते तो सुभाविक तौर पर उस पत्र की देखरेख इन की नहीं होंगी क्योंकि प्रशासन के नाल कोई तालमेल नहीं होंगे है प्रशासन के नाल प्रशासन चाहता है इस तरीके निकास होना चाहिए तो कलोनीनाइजर जोड़े उस तरीके निकासी नहीं करते वो सीवरेज नहीं पाते हैं। हालांकि रिश्वत दे के जां आपां की पैसा चढ़ावा चढ़ के आपां नूं अक्सर देखने को मिलता है कि कलोनिया पास करवा लिया जाता पर उस तो बाद लोगों के हालात उत्थों दिनों दिन बदतर होंगे जाते हैं। आस पास जोड़े मोहाली खरड़ जीरकपुर का एरिया है इसे वे पत्र उपर यह चीज़ा देखने मिलती हैं। जी शुक्रिया आशु जानकारी देने लिए। तस्वीर तुम देखिया खरड़ दी तस्वीर ने घर पानी वड़िया तो इमारत डिग रही ने खास तौर पर उस थान के उत्ते जिथे गैर कानूनी कलोनिया जिहड़ियां ने कटिया गई ने इमारत उत्थे डिग रही ने और घर के अंदर पानी वड़ चुका क्योंकि खरड़ जिहड़ा अनप्लैन डिवेलप होया जिथे कई गैर कानूनी कलोनिया कटिया गई इस करके हुण उत्थे सब तो ज़्यादा पानी की समस्या आ रही है क्योंकि सीवरेज जिहड़ा वो नहीं पिया कई थावां।